नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए मंथली फोरकास्ट, जिसका बेस है चंद्र राशि, जिसका बेस है मून साइन, जिसका बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। इस मंथली फोरकास्ट का कोई लेना देना आपके सन साइन से नहीं है। इस मंथली फोरकास्ट को ना फॉलो किया जाए सन साइन के मुताबिक, इस मंथली फोरकास्ट को फॉलो किया जाए अपनी चंद्र राशि, अपने मून साइन के मुताबिक। मंथ है जुलाई 2019 का आप सबके लिए। अगर आप अपने हॉरोस्कोप की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें आपके हॉरोस्कोप की पूरी रिपोर्ट, सारे उपाय, सारी प्रिकॉशंस और सारी मंत्र साधना आप लेना चाहते हैं, तो आप जो नीचे दिया जा रहा लिंक है हमारी वेबसाइट का, उस लिंक को दबाएं और वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन टैब को दबाना होगा। तो सब्सक्रिप्शन टैब दबाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने होंगे। जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं उसको आप हासिल करें और उसके बाद उस सब्सक्रिप्शन प्लान के मुताबिक सभी वीडियोस को एंजॉय करें। जो भी आपके पैकेज में है उसमें पूरे वीडियो के मुताबिक फोरकास्ट और रिपोर्ट आपको मिलेगी। धन्यवाद। अक्वेरियस के लिए मंथली कंक्लूजन, मंथली जुलाई का 2019 जुलाई मंथली का कंक्लूजन क्या है अक्वेरियस के लिए। सबसे पहले बात करेंगे अक्वेरियस की हेल्थ के लेके। भाई हेल्थ के लिए जुलाई के अंदर आपकी रातों की नींद थोड़ी अपसेट होगी और इस समय आपने आपको एलर्जिक रिएक्शन से बचा के रखें, चाहे वो किसी भी तरह की एलर्जी हो। इंटरनल वीकनेस डेवलप हो सकती है स्ट्रेसफुल टाइम को लेके। डाइजेस्टिव पेट का बहुत ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम पीरियड के दौरान पेट को लेके अगर इशू हो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। पेट को लेके कोई इशू हो सकता है, अगर आप डायबिटिक हैं हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खाने पीने का डाइट का बहुत ध्यान रखें। एक्वेरियस के लिए एजुकेशन क्या है 2019 जुलाई के अंदर, जुलाई 2019 के अंदर एजुकेशन आपकी स्मूथ होगी। इसमें एजुकेशन के रिजल्ट बड़े अच्छे होंगे और आप एजुकेशन में जितनी एफर्ट डालेंगे उतनी बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। एडवांस फील्ड में आप एजुकेशन ले सकते हैं, टीचर्स की सपोर्ट गाइडेंस आपको मिलेगी, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप जा सकते हैं, अच्छे अच्छे गुरु टीचर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड में मेडिकल रिसर्च में आप कर जाएंगे तरक्की आपको मिलेगी, किसी स्पेशलाइज फील्ड में जाएंगे तरक्की आपको मिलेगी, आपका नाम होगा, आपकी सपोर्ट मिलेगी, आप जाने जाएंगे। अक्वेरियस को लेके, रोमांस रिलेशनशिप को लेके 2019 में रोमांस रिलेशनशिप क्या होंगे। इस आने वाले मंथ 2019 जुलाई के अंदर भाई रोमांस के हालात बहुत अच्छे हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, खासतौर पर अगर आप सिंगल हैं, लेकिन कंपेनियनशिप की शुरुआत तो ज़रूर होगी, लेकिन कई बार पावर स्ट्रगल होगा आपके और आपके कंपेनियन के बीच में। और ये जो टाइम पीरियड है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कई बार आपकी फ्लर्टेशियस एटीट्यूड को लेके आप थोड़े प्रॉब्लम खुद अपने लिए पैदा कर लेंगे कि कभी आप किस पार्टनर से फ्लर्ट कर रहे हैं, फिर किसी से कर रहे हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और मैं मानता हूं कि आप पैशनेट रिलेशनशिप में चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, रिलेशनशिप आपका बन जाएगा, खासतौर पे अगर आप एक्वेरियस हैं, सिंगल हैं, और कंफर्ट भी आपको मिल जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो बहुत इंजॉय करेंगे मैरिड लाइफ को, होम लाइफ को, फैमिली लाइफ को, लेकिन मैरिड लाइफ के अंदर भी हाईज एंड लोज बहुत होंगे। और इस समय आपको थोड़ा अपने आप पे थोड़ा डिसिप्लिन लगाना होगा और रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो आप लेना चाहते हैं मैरिड लाइफ से वही चीज़ें आपको देनी होंगी, तभी वो वापस मिलेंगी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और शादी करवाना चाहते हैं तो शादी होने में डिले हो सकती है और शादी बनने में डिले हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं, एक्वेरियस हैं, शादी होने में डिले हो सकती है। हो सकता है कि आपकी शादी आपने रखी हुई हो, आप एक्वेरियस हैं, लेकिन शादी जैसे जैसे आपकी शादी नज़दीकी आ रही, आपकी शादी जो एंगेजमेंट है टूट जाए, या शादी आपकी ख़त्म हो जाए, या शादी जिनसे करवाना चाहते हैं वो माइंड बदल लें अपना, एक्वेरियस इस पे ध्यान देना होगा। प्रोफेशन और करियर को लेके बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। इस आने वाले मंथ के अंदर बहुत सारे तरह के काम काज में आप ध्यान देंगे, काम काज में तरक्की है लेकिन स्लो है, तरक्की है लेकिन स्लो तरक्की है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, कई बार डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को लेके, कई बार डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस को लेके, आपके ऑक्यूपेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, एक से ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करेंगे। ये टाइम पीरियड अगर आप मीडिया पर्सन हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, डिप्लोमेट हैं, सेल्स पर्सन हैं, ट्रैवलर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। अगर आप एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं,
बहुत यूनिक आपकी पोजीशन आपकी स्ट्रांग होगी। अगर आप टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपकी नाम होगा, तरक्की होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बिजनेस में तरक्की होगी, खासतौर पर अगर आप सोशल मीडिया के अंदर बिजनेस बढ़ता जाएगा। इस आने वाले महीने में ये भी कहना चाहूँगा एक्वेरियस, स्ट्रगलफुल सिचुएशंस होंगी, ऑब्स्टिकल्स भी होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी टेंस भी होगी, कई बार अपसेट अप अनॉयड भी होंगे, लेकिन अप्लाइड विजडम और कॉमन सेंस के बलबूते पे आप अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को डिजॉल्व कर देंगे, तमाम कॉम्प्लिकेशंस को खत्म कर देंगे, सभी मुश्किलों को हल करने में खुद ही कामयाब हो जाएंगे। और ये पक्की बात है, इस समय आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपका डिसिप्लिन, आपका विजन जितना स्ट्रांग होगा उतनी बड़ी उपलब्धि आपको होगी, इसमें दो राय नहीं है। नमस्कार, आप अपनी सब्सक्रिप्शन को चेंज करना चाहेंगे पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसपे अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप इंजॉय करेंगे 52 साप्ताहिक भविष्य, जो साप्ताहिक भविष्य फोरकास्ट आपके साथ दिया जाता है, जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और हर वीक का जो वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक भविष्य होता है उसके अंदर उपाय क्या होते हैं, क्या परहेजगारी क्या होती है और क्या मंत्र साधना करनी चाहती है, और पूरा जो वीक का डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए क्या होगा, हर वीक का 52 के 52 हफ्तों का वीकली फोरकास्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हर वीकली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 500 शब्दों से ज़्यादा होती है, और हर वीडियो जो वीकली फोरकास्ट की होती है वो 4 मिनट के करीब होती है, 4 मिनट से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। 12 मंथली फोरकास्ट होते हैं हर महीने का, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हर मासिक भविष्य इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और बहुत और प्रोडक्शन की गई है हर एक मून साइन के मुताबिक, उसके पूरे मास का बहुत उसका फोरकास्ट क्या होगा, उपाय क्या होंगे, प्रिकॉशंस क्या होंगी, मंत्र साधना हर एक मून साइन के बारे में क्या दी जाएगी, और साथ में ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का जो भविष्य वो भी शेयर किया जाएगा। मंथली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा होती है, और मंथली फोरकास्ट की जो वीडियो होती है वो अराउंड 6 मिनट से ज़्यादा होती है। इसी तरह जो ईयरली फोरकास्ट, जो वार्षिक भविष्य होता है, वो हिंदी में भी आपको लिए उपलब्ध किया जाएगा और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको। और उसमें वार्षिक भविष्य के अंदर जो फोरकास्ट किया जाता है उसमें पूरे साल की प्रेडिक्शन होती है, सभी ग्रहों के गोचर होते हैं, आमतौर पर शनि, बृहस्पति, राहु, केतु का गोचर होता है, और उसमें सभी ग्रहों के, इन ग्रहों के आप पे क्या फल घटित होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बखान किए जाते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए अगर नेगेटिव हो, कौन सी मंत्र साधना आपको को लेनी होगी बृहस्पति से को लेके, शनि को लेके, राहु केतु को लेके, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी पूरे साल के अंदर, आपकी पढ़ाई लिखाई, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन करियर कैसा होगा, आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका इश्क, आपका रोमांस, आपकी रिलेशनशिप कैसे हाल होंगे, आपके कारोबार के अंदर क्या तरक्की होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपकी जॉब के हालात क्या होंगे, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हालात क्या होंगे, आपकी पूरे साल की उपलब्धियां क्या होंगी, इस पूरे आने वाले साल के अंदर क्या दुश्वारियों को फेस करना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, इस पूरे साल की उपाय पद्धति क्या होंगी, क्या कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से रेमेडीज आपको फॉलो करने चाहिए, इस पूरे साल के अंदर कौन से परहेज आपको करने चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना होगा, इस पूरे साल की मंत्र साधना कौन सी है, मेडिसिनल क्योर, यानी अगर कोई विपता आ गई उससे जूझना कैसे करना है, किसी भी तरह की विपताएं हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो उससे कैसे जूझना है, या ऐसी मंत्र साधना जो आपको सिरमौर बनाए, जो आपको बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट दिलवाए, वो कौन सी होगी। इस सभी जो ड्यूरेशन है ईयरली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट होती है वो आमतौर पर 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है, यानी 7000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है। ईयरली फोरकास्ट की जो वीडियो होता है हमारा वो 90 मिनट से कम नहीं होता, अराउंड 90 मिनट्स के बराबर होता है। और अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे 52 वीकली फोरकास्ट, आपके साथ शेयर किए जाएंगे 12 मंथली फोरकास्ट, यानी 12 मासिक जो भविष्य होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो पूरे साल का भविष्य आपके साथ शेयर किया जाता है, यानी 65 रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं और 65 या वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं अगर आप पेड सब्सक्राइबर बने। तो फिर देर किस बात की है, जाएं आप चूज कर लें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलूंगा
एक नई रिपोर्ट के साथ। थैंक यू।